ऐसा कुछ नहीं है कि कोई छोटी जगह पे आपको वो टैलेंट नहीं मिलेगा, टैलेंट मिल जाएगा, उस टैलेंट पे आपको काम करना होगा, उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जब आप इस बिजनेस मेंटर कर रहे होंगे, जब फार्मा लाइन में आप जा रहे हैं, वो भी जेनरिक पैकेजिंग के अंदर आप जा रहे हैं, तो काफ़ी रिसर्च लगता है, काफ़ी अपने को वर्किंग करनी पड़ती है, स्टैटिस्टिकल जर्निंग, उनकी कंटेंट सही रहे, उसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ता, तो आपने कितना वक्त दिया है इसके अंदर? आप ये मानिए कि हमारा सेकंड होम ये नहीं, हमारा सेकंड होम हमारा होम हो जाया करता था। अच्छा। सो वी हैव ऑलवेज गिवन ऑलमोस्ट 14 टू 15 आवर्स काइंड ऑफ टाइम इन बिजनेस। आजकल वैसे मैंने एक रिसर्च पढ़ा था जहाँ पे अक्सर क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योर्स जो है वो शॉर्टकट लेते हैं, वो इतना रिसर्च पे या फिर जहाँ पर इतना जेस्टेशन पीरियड होता है, यू नो कन्वर्टेबिलिटी का, उसमें ऐसे ऐसे जगह पे वो हाथ नहीं डालते हैं। मे बी इस वजह से आपको कॉम्पिटिटर्स नहीं मिल पाते या फिर वो मोनोपोली क्रिएट नहीं कर पाते हैं, एक शॉर्टकट तरीके से वो देखते हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा कैश कन्वर्ट हो जाए, इन कैश हो जाए उनके आइडियाज। आप इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? जस्ट एक सीन जो है, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। सो फॉर श्योर अ सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल टू बी क्रिएटेड कैन ओनली बी डन विद अ वेरी प्रॉपर वर्क डन ऑन द सिस्टम। सो उस सिस्टम को बिल्ड करने के लिए आपको एक अपनी पूरी कंप्लीट मॉडल क्रिएट करके उस मॉडल को इम्प्लीमेंट करने का प्लान आपके सामने होगा, तो ही आपको सक्सेस मिलेगी। मुझसे ज्यादा बेहतर आप इस बारे में और बोल सकते हैं। देखिए, जीवन में कोई भी फील्ड हो, शॉर्टकट तो कहीं भी नहीं चलता, चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे स्पोर्ट्स में हो, चाहे फिल्म में हो, चाहे मीडिया में हो, हर जगह मेहनत लगती है और डेडिकेशन चाहिए। मतलब आप यू हैव टू गिव योर 100% अगर आपको सक्सेस चाहिए तो। और बस यही, और हमने इतने सक्सेसफुल लोगों के लाइफ स्पैन पढ़े हैं, उनकी लाइफ स्टोरीज पढ़ी हैं, सभी में एक चीज जो सामने आती है वो ये है कि दे वर टोटली कमिटेड टू देयर कॉज, यानी वो जो करना चाहते थे उसके प्रति एकदम समर्पण था उनमें। और यही चीज मतलब अगर आप फॉलो करो तो एनीबॉडी कैन बी सक्सेसफुल। राइट। आनंद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसा कि आपने बोला कि एक दौर से गुजरना पड़ता है एंड इफ यू आर डिटरमिंड तो आपको वो सक्सेस मिल जाती है, बट नोबडी असेसेस कि उस सक्सेस के पीछे आपको क्या क्या फेस करना पड़ता है। तो मैं आपके आपके करियर के बारे में जानना चाहूंगी कि आपने किस तरह के हार्ड डेज देखे, किस तरह के स्ट्रगल्स आपने देखे हैं। देखिए, कोई भी बिजनेस या कोई भी फील्ड में सक्सेस एकदम इजीली मिलती नहीं है। आपको रियली उसमें वर्क, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत ज्यादा आपको सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ते हैं। मतलब ऑब्वियसली व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर एट द एज ऑफ 21, जो कि नॉर्मल लोगों के लिए एक ऐसी एज स्पैन होती है जिसमें थोड़ा मस्ती और रिक्रिएशन और इस तरह का टाइम ज़्यादा स्पेंड किया जाता है, लेकिन मैं शुरू से मेरे काम के प्रति बहुत डेडिकेटेड था। प्रोबेबली आई मिस्ड इन माई लाइफ कि ये सब चीज़ें मैंने मिस की, बट डेफिनेटली आपका जो सपोर्ट सिस्टम है, आपकी फैमिली है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके स्पाउसेस हैं, आपके बच्चे हैं, वो अगर आपके जो डेडिकेशन और उसका आपके मिशन का महत्व समझते हैं, अगर वो ये समझते हैं कि जीवन में सक्सेस के लिए कुछ सेक्रीफाइस तो जरूरी है, तो फिर इट बिकम्स इजी रोड मैप, यानी आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाती है। और चूंकि आई वॉज ब्लेस्ड कि मेरे मदर फादर, दो आई लॉस्ट माई फादर एट ए वेरी अर्ली एज, बट दे सपोर्टेड मी लाइक एनीथिंग। माई वाइफ सपोर्टेड मी, शी अंडरस्टैंड्स कि हाँ ऑड आवर्स होते हैं बिजनेस में, बाहर जाना रहता है, कई तरह के सोशल फंक्शंस को आपको अवॉइड करने पड़ जाते हैं जो कि बहुत जरूरी होते हैं फैमिली लाइफ में, बट ये सब समझते हुए और दैट इज द रीजन कि आज इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर जैसा बन गया है और आगे भी ग्रोथ होती रहेगी। आप अपने फादर से इंस्पायर्ड थे एंड आई बिलीव अब आप एक इंस्पिरेशनल सोर्स बन गए हैं फैमिली में। आप इनके कजन है, राइट? जी। एंड आई बिलीव आपके बेटे भी अभी इसी बिजनेस में हैं। हाँ, मेरे बेटे ने अपना इंजीनियरिंग रुड़की से किया, फिर उसने एमबीए किया, नाउ ही हैज जॉइंड लास्ट 6 years इज विद मी। और एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है, मतलब हर जनरेशन के साथ नए आइडियाज आते हैं, नए तरीका काम का आता है,
तो पुराना जनरेशन जिसमें मैं अपने आप को मानता हूँ और नया जनरेशन जिसमें विष्णु और अर्पित माय सन है, तो यस हिज नेम इज अर्पित, तो ये एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है, एक बहुत अच्छी बैलेंसिंग तरीके से बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। आई गिव देम फुल स्पेस, उनको जो काम करने का उनकी जगह है वो पूरी जगह मिलती है, अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप कंधे पे आई जाती है, तो उसके रिजल्ट्स भी अच्छे मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ ओल्ड इथिक्स एंड मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी इज अ वेरी गुड पोटेंट फोर्स जो सक्सेस में और आगे से आगे बढ़ाती है उनको। ये तो वैसे एल्डर जनरेशन से एक्सपीरियंस एंड यंगर जनरेशन से न्यू आइडियाज, इन दोनों का जो अमलगेशन होता है ये कुछ अच्छी चीज क्रिएट करता है। ये तो बात सारी सही, लेकिन ऐसी कौन सी चीजें जो आपको आपके बेटे से सीखने को मिली है बिजनेस में? डेफिनेटली, मतलब देखिए एक और चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है कि आप हर दिन सीखते हैं, यानी द एजुकेशन नेवर एंड्स, यू लर्न ऑन एवरीडे बेसिस। तो मैं तो मेरे बेटे से, विष्णु से, हमारे टीममेट से रोज कुछ ना कुछ सीखता हूँ। और चूंकि हमारे टाइम में जो हमने करिकुलम था उसका और आज के करिकुलम में बहुत ज्यादा फर्क है, कम्युनिकेशन के तरीके बदल चुके हैं, किस तरह से आप नई टेक्नोलॉजी आपके जीवन में हर जगह प्रवेश कर चुकी है, तो ये सब चीजें ऑफ कोर्स नई जनरेशन ही हमको सिखाती है। माय डॉटर इज आल्सो इनटू बिजनेस, उसने अपना स्टार्टअप किया है, तो हम लोगों के फैमिली में हम लोग रोज कुछ समय आपसी डिस्कशन में निकाल गुजारते हैं और तब नए नए आइडियाज बच्चों से मिलते हैं और उनको कोशिश करता हूँ कि अपन भी सीखें और बिजनेस में इम्प्लीमेंट भी करें। क्या बात है। तो विष्णु जी है, अर्पित जी है आपके साथ बिजनेस में, और कौन कौन है आपकी फैमिली में जो आपके साथ बिजनेस में साथ दे रहे हैं? अर्पित की वाइफ समीक्षा, शी इज एचआर हेड हियर, वो पूरा ह्यूमन रिसोर्स का पूरा वो देखती हैं। और इसके अलावा हमारे जो रिलेटिव्स है, क्लोज रिलेटिव्स, दे आल्सो सी लॉट ऑफ पार्ट्स। लेकिन एक चीज मैं बताऊं, पूरी जो हमारी टीम है उसको मैं फैमिली की तरह ही लेता हूँ, चाहे दे मे नॉट बी बिलोंगिंग टू माय इमीडिएट फैमिली बट दे आर पार्ट ऑफ मी बिकॉज दे आर अ मेजर पिलर ऑफ सक्सेस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये चीज जब आप उनको भी बताते हैं कि उनकी भी उतनी ही महत्व है जितना कि हम लोग मेहनत करते हैं, तो जो उनका भी आउटपुट होता है वो बहुत बेहतर मिलता है, और इसी मिशन के तहत हम लोग काम करते हैं। सर मैं तो कहूँगी आप बहुत लकी है, क्योंकि ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं उनके साथ ये होता है कि उनके आइडियाज़ में कभी कभी उनके खुद के घर वाले भी बिलीव नहीं करते हैं, उनके आइडियाज़ को बिलीव नहीं करते, साथ मिलना मुश्किल हो जाता है। पहले तो हर सफर में एक एंटरप्रेन्योर अकेला ही होता है, बिजनेस में अकेला होता है, कहते हैं अनबिलीवेबल आइडियाज़ है, फिर उसे खुद मैनुअली मेहनत करनी पड़ती है उस आइडिया को प्रूव करने के लिए। लेकिन आपके साथ में आपके पेरेंट्स थे, आपकी वाइफ इतनी कोऑपरेटिव थी, अब बच्चे भी आपके साथ में हैं, विष्णु जी साथ में हैं, इतने अच्छे आइडियाज दे रहे हैं, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपके शेरी टाइम्स में या स्ट्रगलिंग पीरियड में आपको कभी लगा कि मैं टूट रहा हूँ और मैं डीमोटिवेट हो रहा हूँ? तो आपका फैमिली का सपोर्ट डेफिनेटली आता, बट एट दैट वेरी मोमेंट व्हाट यू डू? हर बिजनेस में ऐसा हाई एंड लोज चलता रहता है, और लोज, आई एम ए स्ट्रांग बिलीवर इन लॉर्ड वेंकटेश, तो एक भगवान के प्रति जो आस्था रहती है कि आप अगर सब कुछ अच्छा कर रहे हो तो आपके साथ बुरा हो ही नहीं सकता, तो आई एम अ फर्म बिलीवर इन दिस। तो ये आपको एक सही रास्ते पे चलने के लिए भी प्रमोट करता है, आपको इंश्योर करता है कि यू आर नॉट डिविएटिंग फ्रॉम योर पाथ, और फिर एक जब ऑलमाइटी के ऊपर एक भरोसा होता है तो आपको हर चीज सक्सेस मिलती जाती है, इवन लो समय भी पास हो जाता है। और ये मैंने पर्सनली महसूस किया है, देखा है कि God helps them people who help themselves, ये बिल्कुल सही है। विष्णु जी अगर हम लोज की बात करें, बिजनेस लोज की बात करें, जब एक्चुअली मार्केट बिल्कुल गिरने लगती है, तो ऐसा ही समय जो था वो लास्ट ईयर का था, और जहाँ तक मेरी नॉलेज है आपका एक बिजनेस सेंटर चाइना में भी है, वुहान में, तब उस वक्त आपने क्या कॉम्प्लिकेशंस, किन मुश्किलों का सामना किया था? अगर हम पेंडेमिक के दौरान बात करें तो मैं आपको ये कहूँगा कि वी वर ब्लेस्ड दैट वी वर रिलेटेड समवेयर टू फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, सो वी हैव नॉट सीन द लोज ऑफ ड्यू टू पेंडेमिक। यस, लोज इन टर्म्स ऑफ मोरल ऑफ एवरी टीममेट, यस, उसके लिए हमने बहुत काम किया, हमने उनको हमेशा मोटिवेट किया,
हमने उनके सारे वो अरेंजमेंट्स किए जिससे कि उनको इस बात का कंफर्ट रहे कि हाँ हमें काम करने जाना है. क्यों? क्योंकि हमारा काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस पैंडमिक के दौरान हमने जो प्रोडक्ट्स पैकेजिंग के बना रहे थे वो प्रोडक्ट्स थे जो कि इंटरनेशनल मार्केट्स में गए हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कोविड. So we were supplier to all those people who were in turn selling. सबसे कॉमन नाम अगर मैं बोलूं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन HCQ. वो जितना भी बनाया इपका लेबोरेटरीज ने या उनके लाइक्स लॉरस ने या माइलिन उनने हमारी बॉटल यूज हुई. सो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हमें उस टाइम पे हमारी फैक्ट्री चलाना है क्योंकि हमें उसे फीड करना है जो फर्दर उन सब नीडेड पेशेंट्स के लिए है, नीडी पेशेंट्स के लिए है. सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमने समझा और हमने उस पूरे लॉकडाउन के दौरान काम किया. हमने टीम के बंदों को बसेस में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में बिठा करके रोज उनकी सैनिटाइजेशन करके उनको यहाँ सेफ एटमॉस्फेयर दे करके उन्हें यहाँ पूरी उन सब सेफ्टी के साथ में काम करने का मौका दिया. और हमने इस टफ टाइम में भी बहुत ही अच्छे कलर्स के साथ में ये टाइम निकाला है. वाओ आई मस्ट से दिस इज रियली नाइस. एक एंटरप्रेन्योर की सही पहचान ही होती है कि ऐसी सिचुएशन में अपने आप को अडैप्ट करके सिचुएशन को संभाले. लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं कि चाइना का बहुत बहिष्कार हुआ, माना कि आप एक्सपोर्टर्स हैं, तो कुछ भी बिजनेस में ऐसा आपको इफेक्ट दिखा कि यहाँ पे मुझे ये फेस करना पड़ा, डिफिकल्टी कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है, समथिंग लाइक दैट? एज सच चाइना का डेफिनेटली हमारा, हम तो एक्सपोर्टर हैं चाइना. सो वी आर नेट एक्सपोर्टर टू चाइना, बड़े प्राउडली कहते हैं ये बात कि जहाँ पूरा वर्ल्ड चाइना से इम्पोर्ट कर रहा है, हम बहुत स्मॉल पोर्शन इम्पोर्ट कर रहे हैं, हम मेजर पोर्शन एक्सपोर्ट कर रहे हैं चाइना को. तो हमारे को तो इसका फायदा देखा है हमने इस बात में. प्लस अगर देखें कि ये कोऑपरेशन का चैलेंज, एडमिनिस्ट्रेशन की कोऑपरेशन का चैलेंज नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन का कोऑपरेशन का सपोर्ट मिला है हमें ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक. यस देयर वर सर्टेन चैलेंजेस रिलेटेड टू लॉजिस्टिक्स एंड व्हिच एवरीबॉडी हैज फेस्ड. ग्रेजुअली दैट लॉजिस्टिक चैलेंजेस वर टेकन केयर ऑफ. धीरे धीरे वो सारी चीजें स्मूथ हुई है और आज हम पूरे कंप्लीट नॉर्मल हैं. लेकिन आज हमें ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह दिख रहा है कि हम जितने चाइनीज प्रोडक्ट्स इंडिया में या वर्ल्ड में जहां और जा रहे थे वो इंडियन कंपनीज के लिए ओपन हुए हैं. सो दिस इज अ टाइम जहां हमारे लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज है, हमें एक्चुअली में अपने बेल्ट स्ट्राइक करने हैं एंड वी हैव टू रन वेरी फास्ट टू मैच अप द पेस of vacuum getting created because of actually people not liking China to be further supplier to them. Mr. Vishnu, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे कि packaging के process के अंदर हम natural resources का ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, तो आप इसके consumption से लेकर और इसके usage, disposal से लेकर क्या आप सोचते हैं कि हमारी company के environmental and social responsibility है? जी, आपने बहुत सही बात टच अपॉन करी है. प्लास्टिक्स की बहुत मार्केट में बातें चल रही हैं, रिसाइकलिंग से लेकर के उसके ख़त्म नहीं होने तक की. सो डेफिनेटली लॉट ऑफ वर्क इज़ गोइंग ऑन इन रिलेशन विद द बायो प्लास्टिक्स, बायोडिग्रेडेबिलिटी ऑफ प्लास्टिक्स. सो दैट वर्क इज़ डेफिनेटली गोइंग ऑन. डेफिनेटली उसको फार्मास्यूटिकल में आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, बट अभी हमने कई काम किए हैं जिसके अंदर हमने ऐसे प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं जो ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें प्रोडक्ट व्हेन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद लाइट, सॉइल एंड वाटर, वो प्रोडक्ट डिसइंटीग्रेट हो जाता है. सो पॉलीमर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि वो डिसइंटीग्रेट नहीं होते थे. अब ऐसे एडिटिव्स आ गए हैं तो वो जब प्रोसेसिंग ऑफ प्लास्टिक्स हो रही है तो उसी टाइम पे उनको बायोडिग्रेडेबल बनाया जा सकता है. दिस इज वन. टू, अभी हम जो कर पा रहे हैं उसमें मेजरली हमारे कंज्यूमिंग यूटिलिटीज लाइक इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हमारा सेकेंड कंजम्पशन है आफ्टर अवर प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स. सो हम उसे नेचुरल रिसोर्सेज
रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स पे कन्वर्ट कर चुके हैं. ओके. सो मैक्सिमम परमिसिबल रिन्यूएबल एनर्जी यूजेज टू अस इज नाउ टेकन केयर ऑफ. हमारा सोलार जनरेशन, विंड पावर जनरेशन की हमारी यूनिट्स हैं, जिसके थ्रू हम जहाँ बैठे हैं वहाँ 50% अराउंड विच इज परमिसिबल पावर इज कमिंग फ्रॉम दो सोर्सेज. वाओ, ये आपके सारे यूनिट्स में इंस्टॉलेशन सही है. ये हमारी मेजरली आउटसोर्स्ड एक्टिविटीज है, लाइक हमारी ही इन्वेस्टमेंट्स इनटू एन पार्क है, सोलर एनर्जी जनरेशन पार्क्स. वहां से हम यहाँ पर उनको व्हील कर रहे हैं एनर्जी को, और वो एनर्जी हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं. रूफ टॉप एनर्जी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, रूफ टॉप एनर्जी हम सोलर यहाँ यूज कर रहे हैं. वाओ, दैट्स लवली.